Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the household pest, and in this topic louse is included. जिसको हमारी आम ज़बान में जुएं कहते हैं plural में lice है. Common name for the members of over 3,000 species of wingless insects of the order Entomology. Taxonomic classification phylum arthropoda class insecta subclass pterygoida order phytophthora. अब इनके जो थ्री टाइप्स हैं वो डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं. ह्यूमन के अंदर हेड लाउस जो सर में होती हैं, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कैपिटस बॉडी लाउस ये जिस्म पे होगी, पेडिक्यूलस ह्यूमनस या फिर इसे कहेंगे कॉर्पोरिस और प्यूबिक लाइस फिथेरिस प्यूबिस के प्यूबल रीजन में होती है. तो आप ये देखें कि जो एज अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रॉब्लम है प्यूबल हेयर्स, तो इनको इसीलिए टाइम टू टाइम रिमूव कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे किसी किस्म का लाउस इन्फेक्शन ना हो. दे आर ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट्स ऑफ एवरी एवियन एंड मैमेलियन ऑर्डर एक्सेप्ट फॉर मोनोट्रेम्स द प्लेटिपस एंड द इकिडनास. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, यानी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, और ऑब्लिगेट जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा ना रह सकें. ऑफ एवरी एवियन यानी बर्ड्स के भी ये पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स और मैमल्स के लिए, लेकिन एक्सेप्शन मैमल्स के केस में आती है. प्लेटिपस और इकिडनास पे दे आर नॉट द पैरासाइट्स, ठीक है. बाकी सारे मैमल्स के अंदर ये पैरासाइट्स हैं, बैट्स व्हेल्स डॉल्फिन पॉर्पोइसेस एंड द पेंगोलिंस इनके अंदर भी. अब बायोलॉजी हमने देखनी है. कलर वेरीज फ्रॉम पेल बेक टू डार्क कलर. पेल बेक कहते हैं सैंडी सा कलर, स्ट्रॉ सा, लाइट सा. हाउ एवर इफ फीडिंग ऑन द ब्लड इट मे बिकम कंसिडरेबली डार्क. लेकिन अगर ये ब्लड पर फीड करती हैं तो इनका कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा. फीमेल लाइस जो हैं ये यूजली कॉमन है देन द मेल्स एंड सम स्पीशीज आर इवन नोन विद पार्थिनोजेनेटिक. और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो पार्थिनोजेनेटिक हैं, यानी वहाँ पर मेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ फीमेल से ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है. लाउस इज कॉमनली कॉल्ड अ नेट. लाउस को कॉमनली नेट कहा जाता है. सॉरी, many lice attach their eggs to the host hair with a specialized saliva. The hair saliva hair bond is very difficult to sever without specialized bonds. ज़्यादातर जो lice हैं वो अपने egg को attach कर देती हैं hairs के साथ through saliva, और saliva और hair का bond अच्छा खासा strong होता है. इसको specialized agents के use के अलावा इसको bond को ख़त्म करना आसान नहीं होता. इसीलिए आजकल जो है ना वो इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, ये केमिकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं. लाइस इनहैबिटिंग बर्ड्स, ऐसी लाइस जो ये रहती हैं बर्ड्स पे. हाउ एवर मे सिंपल लीव देयर एग्स इन द पार्ट्स ऑफ द इनएसेसिबल टू द प्रीनिंग सच एज द इंटीरियर ऑफ द फेदर शेफ्ट. नाउ वॉट इज़ प्रीनिंग. प्रीनिंग का प्रोसेस जो है बर्ड्स के अंदर, आप इस तरह से कह लें कि ये अपने जो है ना खूबसूरती बरकरार रखते हैं. प्रीनिंग की वजह से इनके दुम के करीब ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, और उनको वहाँ ये प्रेस करते हैं, और उससे जो ऑयल है वो अपनी चोंच पे लेके ना पूरे अपने फेदर्स को के ऊपर लगाते हैं, और उनको उनके जो स्मूथ टेक्स्चर है ना वो बरकरार रखते हैं, ठीक है. अब जिन एरियाज़ में प्रीनिंग नहीं होती फैदर्स के इंटरनली शेफ्ट में, वहाँ पर बर्ड्स के केस में लाइस एग ले करेंगी. लिविंग लाइस जो हैं वो पेल वाइट कलर की होंगी, डेड लाइस जो हैं ये ज़्यादा येलो कलर की होंगी. अब ये ज़्यादातर स्कैमजर्स एंड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाएंगी, फीड करेंगी स्किन पे या दूसरे डेब्रिस पे. लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो स्पेशियस सिक्रीशन यानी जो पसीना वगैरह आता है या स्किन की जो सिक्रीशन है उन पर फीड करती हैं, और ब्लड पर भी करती हैं. मोस्ट स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल के ब्लड पे फीड करेंगे, और कुछ केसेस में वो सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी पे रहेंगी. कुछ एनिमल्स जो हैं ये तकरीबन 15 डिफरेंट स्पीशीज़ के होस्ट अभी तक नोन हो चुके हैं, लेकिन इनमें ऑल्दो 1, 2, 3 इज़ टिपिकल फॉर मैमल्स एंड 2 to 6 फॉर बर्ड्स. लाइस जनरली ये कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग इफ रिमूव फ्राम देयर होस्ट. लाइस सर्वाइव नहीं कर सकती अगर आप इसे इसके होस्ट से लंबे टर्म के लिए बाहर निकाल दें. वेक्टर बायोलॉजी,
इसमें आप देखें थ्री टाइप्स ऑफ लाइफ्स हैं, हेड लाइस जो सर में है, उसके साइंटिफिक नेम है पेडिक्यूलस ह्यूमनस कैपिटस, साइंटिफिक नेम है इसको भाई इटैलिक्स में करना है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है 2 to 3 mm लॉन्ग, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में आपको ये शो कर दी है। उसके बाद है बॉडी लाइस पेडिक्यूलस ह्यूमनस ह्यूमनस 2.3 to 3.6 mm लॉन्ग, ये देखें बॉडी लाइस है। उसके बाद प्यूबिक लाइस, इसे क्रैब्स भी कहा जाता है, फिथेरिकस प्यूबिस, इसकी लेंथ होगी 1.1 to 1.8 mm लॉन्ग, ये उसकी डायग्राम है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लाउस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, बॉडी इज डिवाइडेड होती है, उसमें गलत है DIV IDED इंटू हेड थॉरिक्स एंड एबडोमिन, जैसे बाकी इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स हैं ना तीन, हेड थॉरिक्स एंड एबडोमिन, इसी तरह इनके भी हैं। इनके हेड जो हैं दे आर स्मॉलर देन द थॉरिक्स, रेक्टेंगुलर हैं, ओवाइडल हैं, पॉइंटेड एंटीरियरली आगे की तरफ उभरे हुए हैं, एंटीनी 5 जॉइंट, वे आर सिचुएटेड एंटीरियर टू द आई, दे हैव 6 पेयर ऑफ प्रीस्टोमल टीथ, हॉस्टेलम कहते हैं इसमें, ये स्पेसिफिक ऑर्गन होता है एनिमल्स के केस में फॉर सकिंग, यानी मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि इनकी फूड जो है ना ब्लड है या आप स्पेशियस सेक्रेशंस वगैरह कह लें। टीथ जो हैं वो किस काम के हैं, एंकर करेंगे स्किन के अंदर और स्किन को इवर्ट कर देते हैं जिससे वो सक कर सकें, कटिंग ऑर्गन्स हैं स्टाइलेट्स वो कैसे बनते हैं, मैक्सिला फ्यूज हो जाएंगे, हाइपोफेरिंक्स, ये फेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे का रीजन होता है आप कह लेंगे जुबान टाइप का एनिमल्स के ये इंसेक्ट्स में, लेबियम प्लेस्ड वेंट्रली सपोर्टिंग हाइपोफेरिंक्स एंड द मैक्सिला, मॉर्फोलॉजी ये आपको दिखा रहे हैं सकिंग लाउस की। थॉरिक्स स्केयर इन शेप होगा और अमूमन इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नली आप डिस्टिंग नहीं कर सकते, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और इसके बाद जो टॉरस है दैट इज अनजॉइंट ईच एंड इन द हुक क्लॉ और थंब लाइक प्रोजेक्शन, एंड आएगा यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ ईच टिबिया में, वहाँ पे इंसर्ट होगी जो उसको हेल्प करेगा ये कि वो बाल के साथ चिपक के रहे। एब्डोमेन में 9 सेगमेंट्स हैं, पोस्टीरियर पार्ट नैरो है और राउंडेड है, मेल्स में फीमेल में टर्मिनल सेगमेंट जो है वो बाइलोब है, लास्ट सेगमेंट जो है वो इंटरनली कर्व है, वहाँ दोनों पोर्स होते हैं जो फाइबर या हेयर को ग्रेस्प करने के अंदर हेल्प करेंगे। लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस है, एग्स है, निम्फ है और लार्वी है। एग्स में आपको इनकोनिट्स भी कहते हैं, और फीमेल एक दिन में 300 एग तक रिलीज कर देती है और ये हैच कर देंगे फेवरेबल टाइम पीरियड में। लार्वी जो है ये अडल्ट की तरह ही होते हैं और इनमें तकरीबन 3 जो है मोल्ड्स आपको मिलेंगे। ये स्टेज 10 से 15 दिन रहेगी, अडल्ट जो है वो तकरीबन 15 से 17 दिन तक रहते हैं और अडल्ट जो है वो जिंदा रहता है 30 से 50 दिन। अब लाइफ साइकिल ऑफ लाउस, अडल्ट जो है एग रिलीज करेंगे, एग के बाद वो निम्फ में कन्वर्ट होगा और निम्फ से फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जी लाइफ साइकिल है लाउस का। अब पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है कि इनकी वजह से डिजीजेस काज हो रही है, कौन कौन सी, एपिडेमिक टाइफस रिकेटेजिया प्रो वेकेजाइक काजेटिव एजेंट की वजह से होता है, रिलैप्सिंग फीवर बोरेला रिकरेंटिस, ट्रेंच फीवर जो है रिकेटेजिया क्विंटेना, डर्माटाइटिस ड्यू टू स्क्रैचिंग एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइस हैं ये एज अ फैक्टर काम कर रही हैं, दूसरे पे पॉजिटिव एजेंट्स को फैला रही हैं। आप इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हेड और क्रैब लाइस जो है उसको 0.5% मेलाथायन यूज़ करें लोशन में, फिर उसको 12 से 24 घंटे बाद लोशन वहाँ से रिमूव कर दें। कार्बाइन डस्ट भी इफेक्टिव है, बॉडी लाउस जो है उस पर 1% मेलाथायन यूज़ करें, उनको कपड़ों ये केमिकल को कपड़ों के अंदर यूज़ करें, सॉक्स में करें, सब पर्सनल हाइजीन बरकरार रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। उसके बाद समरी में ये ज़्यादा जो बॉडी लाइस है वो ज़्यादा सीरियस है एज़ कम्पेयर टू प्यूबिक या हेड लाइस, क्योंकि ये डिजीज़ जो काज करती है उस स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व है। दूसरा ये उन लोगों में मसला ज़्यादा काज करेगी जो जंग के अमूमन रिफ्यूजीज़ होते हैं ना, ये पनाह का उन्होंने पनाह ली हुई होती है कैंपों में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग भी इम्पॉर्टेंट है इसके ब्लाउज को कंट्रोल करने के अंदर। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, थैंक यू।